हेलो दोस्तों, मैं आपका थॉट क्यूरेटर। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के एक शहर ब्रिस्बेन के आर्किटेक्ट की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर ब्रिस्बेन में एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था ब्रायन। वो अपने काम के लिए बहुत फेमस था। उसके बनाए घर बहुत ही महंगे दामों पे बिकते थे। ब्रायन के बनाए घरों में हमेशा स्विमिंग पूल और गार्डन होते ही थे। वो हमेशा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और फर्नीचर यूज करता था, जिससे उसके बनाए घरों में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आती थी। उसके लिए हर घर की सेल पे उसे काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी मिलता था। वो अपने काम से कभी छुट्टी नहीं लेता था और पिछले 32 सालों से सिर्फ एक ही जगह काम कर रहा था, और वो अगले 2 सालों में रिटायर भी होने वाला था। इन सब चीज़ों की वजह से ब्रायन का बॉस उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन ब्रायन अपने बॉस के पास गया और बोला कि मुझे थोड़ी जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे उसकी देखभाल करनी है। पहले तो बॉस ने मना किया, क्योंकि कौन भला इतने अच्छे एम्प्लॉय को जाने देना चाहता है। पर उसका रीजन ही कुछ ऐसा था कि उसे रोक नहीं पाया। लेकिन बॉस ने एक शर्त रखी कि तुम जा सकते हो, पर लास्ट घर बनाने के बाद, ताकि हमें कोई परेशानी न हो तुम्हारे जाने के तुरंत बाद। ब्रायन को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने सोचा इतने साल काम किया है, एक और घर बना देता हूँ, कोई बात नहीं। उसने घर बनवाना तो चालू किया, लेकिन बॉस से नाराजगी के साथ साथ उसे ये भी मालूम कि ये उसका लास्ट प्रोजेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी मेहनत करता है इस घर के लिए, और ना ही उसे इस घर के लिए कोई इंसेंटिव मिलने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि घर बिकने से पहले ही वो रिटायर हो जाएगा। इसलिए उसने इस घर को दिल से नहीं बनाया, और उसने इस प्रोजेक्ट में ना तो स्विमिंग पूल डिजाइन किया, ना ही गार्डन, ना ही उसने अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज किया, ना ही अच्छे फर्नीचर्स लगवाए जैसे कि वो अपने पहले के प्रोजेक्ट में लगाया करता था। काम पूरा होने के बाद वो अलविदा कहने बॉस के पास गया, तो बॉस ने ड्रॉअर से उस नए घर की चाबियां निकाली और ब्रायन को दे दी और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इन 32 सालों में तुम्हारे किए गए शानदार कामों का इनाम है। अब ब्रायन ये देख के बहुत दुखी हो गया। अगर उसे ये पता होता कि ये घर वो अपने लिए बना रहा है, तो इस घर को वो बहुत अलग तरीके से बनाता, जैसे वो पहले बनाया करता था। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने काम से हर दिन अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना रहे हैं, लेकिन हर दिन हम उतनी एफर्ट्स नहीं लगाते। आपको ये याद रखना होगा कि आपकी बनाई लाइफ में आपको ही रहना है, और एक बार टाइम निकलने के बाद टाइम वापस नहीं आता। आपने ये देखा होगा, बहुत बार कुछ होने के बाद हम ये सोचते हैं कि काश मैं पास्ट में चला जाता और इस काम को ऐसे करता तो अच्छा होता। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं। पहले तो पूरे एफर्ट्स नहीं लगाते और वक्त निकलने के बाद सोचते हैं कि काश मैं वापस स्कूल या कॉलेज में चला जाता तो इस तरह से अपनी लाइफ बना सकता था। लेकिन आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। इस काश शब्द को भूलकर आज से ही आपको अपना बेस्ट देना होगा, ताकि फ्यूचर में रिग्रेट फील ना करें। आप भी इस स्टोरी के ब्रायन की तरह ही हैं। आपको भी सब कुछ भूलकर हर दिन अपना बेस्ट देना होगा अपनी लाइफ बनाने के लिए, चाहे वो आपका आखिरी दिन क्यों ना हो। नेपोलियन हिल ने क्या खूब कहा है, जिंदगी एक प्रोजेक्ट है जो आपको खुद पूरा करना है। आपका आज का एटीट्यूड और चॉइसेस आपके लिए आपके घर का निर्माण करेंगे जिसमें आप कल रहने वाले हो। इसलिए बहुत सोच समझ कर इसका निर्माण कीजिए। ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इस लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए। कमेंट में लिख के बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। अभी के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।